अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू व्लॉगिंग विद शाजिया। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल जो है रेसिपी है, जिसका नाम है आलू की कटलियाँ। और अक्सर हमें जो है ढाबों पर ये पहले मिला करती थी, आजकल तो बिल्कुल ही ये नहीं मिलती। तो आज मैंने सोचा कि आज आपके वही जो पुराने स्टाइल की ढाबा स्टाइल जो कटलियाँ थी, आज उनकी रेसिपी आपको बताई जाए। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी आलू की कटलियाँ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है अपना पसंदीदा सरसों का तेल और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, उसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये नहायत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत कम मसालों में बनने वाली और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आलू हमारे जो है कलर हो गया उनका पिंक। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2.5 चम्मच, में डालेंगे तकरीबन 2 अदर टमाटर और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी है ये कटलियाँ बनती हैं, रोटी के साथ नान के साथ खाने का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता 2 से 3 अदर, साथ डालेंगे कलवंजी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, तकरीबन 1 चम्मच नमक, अपनी पसंद के मुताबिक आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो, और ज़ीरा। साथ हम डालेंगे 1.5 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भूनना है कि इसमें टमाटर जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। कटलियाँ बनाने के लिए हमें जो आलू हैं वो इस शेप में काटने हैं, जैसे हम लोग चिप्स बनाते हैं तो इस शेप में आपने आलू काट लेने हैं। मैंने पहले ही काट कर धो के रख लिए हैं, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी और इसको गलने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। जी जी कटलियाँ बनकर हो गई हैं बिल्कुल तैयार। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। प्याज की रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको हल्का सा डेकोरेट कर लेते हैं ऊपर से धनिया और हरी मिर्च के साथ। आपको कैसी लगी अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों में बनने वाली है, और रोटी के साथ भी नान के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।